अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं आलू और कोफ्ते। तो मैंने चार प्याज को अपने इस तरह काट लिया है और ये मेरा तेल गरम हो रहा है, तो इसमें हम पहले प्याज डाल के चेक करेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं। देखिए ये तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें अपने प्याज डाल रही हूँ ताकि मेरे प्याज गोल्डन हो जाए। जब तक मेरे प्याज गोल्डन हो रहे हैं, जब तक मैं लहसुन अदरक ये तमाम मसाले जो है चॉप कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारे प्याज गोल्डन हो गए हैं। अब हम इन प्याज को जो है ढक्कन पे अपने निकाल देंगे। अच्छा जी, अब हमने इसमें प्याज निकाल दिए हैं। ये मेरे पास साबुत गर्म मसाला है, हम तेल में ये साबुत गर्म मसाला अपना डाल देंगे। और इसके अलावा जो है, जो मैंने प्याज निकाले थे यहाँ से गोल्डन करके, उनको मैंने अपने दो टमाटर अदरक लहसुन के साथ जो है इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये मसाला भी मैं अंदर डाल दूँगी अंदर पकने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करके अपने ग्राइंडर को जो है साफ़ कर लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, मसाले हैं तो इनको ज़ाया नहीं करना। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है इसमें और इसको जो है मैं भून रही हूँ। और इसमें हमारे पास गलेगी इसमें तकरीबन एक पाव दही। कभी भी आपने दही को जो है उसमें जो ऑयल होता है प्याज निकालने के बाद, कभी उसमें नहीं डालना, क्योंकि फिर उसके बाद जो है वो दही जो है वो उसमें जिस तरह एक गोलियाँ टाइप बन जाती हैं दूध की, तो वो बन जाएगी, क्योंकि दही तो दूध से ही बनी हुई है। और ये हमने डाल दिया है इसमें एक साशा इसका कोफ्ता मसाले का। जो मैंने अपना पेस्ट बनाया था उसमें मैंने गोल्डन किए हुए तकरीबन चार प्याज थे और दो टमाटर थे, एक इंच का टुकड़ा अदरक का था, पांच से छह जवे जो हैं वो लहसुन के थे, उसको हमने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। अब ये हमारा मसाला बन रहा है। जब तक मेरा मसाला बने, जब तक मैं अपने आलूओं को छील लेती हूँ और उनको तकरीबन एक दो उबाल, उनको मैं जो है उबाल लूँगी, क्योंकि ये कोफ्ते की सालन है तो इसमें हम बड़े वाले आलू नहीं, इसमें हम बेबी पोटैटो डालेंगे जिनको काटने की ज़रूरत नहीं होती, वो पूरे कोफ्तों की तरह गोल गोल होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमारा एक पाव कीमा था, इसमें हमने आधा दरमियाने साइज का जो है प्याज और दो तीन जवे लहसुन के, आधा इंच का टुकड़ा इसमें था अदरक, और एक टीस्पून जो है वो हमने इसमें डाला है कोफ्ता मसाला। और ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है इसमें है हरा धनिया, पुदीना और एक हरी मिर्च थी। और इसके साथ जो है दो भुने हुए जो चने होते हैं, दो टीस्पून जो है वो हमने इसके अंदर भुने हुए चनों का पाउडर डाला था। और उसके बाद हमने अपने चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था। इसके अंदर हमने नमक नहीं डाला, क्योंकि अगर हम इसमें नमक डालेंगे तो ये कोफ्ते जो हैं वो फट जाएंगे। तो अब हम इनको बना के और तले। पैन में जो है कोई चीज़ बनाते हैं या तलते हैं तो वो उसमें नीचे चिपक जाती है, तो ये ना चिपकने के लिए जो है हम इसमें एक चुटकी इसमें नमक की डाल देंगे। नमक डालने के बाद जो है वो चीज़ जो भी आप खाना बनाएंगे अपने पैन में जो है वो नहीं चिपकेगी नीचे। इसको इस तरह थोड़ा सा, ताकि ये नमक पैन के हर तरफ जो है ये नमक लग जाए। और हमने अपने फ्लेम को जो है इतना बिल्कुल कम रखना है। और ये हमने कोफ्ते जो बनाए थे, जो मैंने चॉपर के अंदर कीमा वगैरह और मसाले डाले थे, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। इसमें मैंने दो मेल्ट किया हुआ दो खाने के चम्मच, दो टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर घी भी डाला था। ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। इस तरह हाथों को पानी लगा के, जब हमारा तेल गर्म हो रहा है, और इसको हमने तेज़ आंच पे नहीं बनाना। छोटे साइज़ के कोफ्ते बना रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपने अगर नरगिसी कोफ्ते बनाने हैं तो आप अंडा उबाल के उसमें भी कर सकते हैं। ये मैं अगली बार इंशाल्लाह ताला आपको जो है नरगिसी कोफ्ते भी बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तलने के लिए हमने डाल दिया है। इस तरह हम थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएंगे, इस तरह हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा हाथ में, और ये जो है इसका थोड़ा सा मसाला लेके, बिल्कुल थोड़ा सा मसाला, इस मसाले को यूँ लेके हाथ में, उसके बाद इस मसाले को यूँ बिल्कुल इस तरह जो है हमने इसको दबा देना है। अगर इसके अंदर कहीं पे भी थोड़ी सी भी अगर
कोई लकीर जैसे कहते हैं जितना होता है तो कोफ्ते फट जाते हैं, तो ना फटने के लिए आपने इसके अंदर 2 चम्मच घी डाल देना है, तो ऑयल नहीं डालना। और जब भी आप अपना कीमा धोते हैं तो उसके बाद इसे किसी छलनी में जो है पानी निकलने के लिए रख दें, क्योंकि अक्सर कीमे में अगर पानी होता है तो भी ये टूट जाते हैं। ये देखिए ये हमारा कितना अच्छा बिल्कुल गोल मटोल सा ये कोफ्ता बन चुका है। तो इसे हम ऑयल में डाल रहे हैं ताकि ये ऑयल में डाल के अच्छी तरह से पक जाए। मैं तमाम कोफ्ते इसमें डाल के अपने फ्राई कर लेती हूँ और फिर आगे का बताऊँगी कि एम किस सालन में क्या करना है। कोफ्तों को आपने 2 चम्मचों की मदद से जो है फिर निकालना है। 1 चम्मच से आप निकालेंगे तो ये कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। हमने अपने तमाम कोफ्तों को जो है वो फ्राई कर लिया है और हमारा जो है कोफ्तों का मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, पक चुका है। ये देखें इसमें जो है तेल भी निकल आया है। अगर आपको ऑयल की इसमें कमी लगेगी तो जिस ऑयल में हमने कोफ्ते तले हैं वो ऑयल भी हम इसमें डाल देंगे। ये आलू बेबी पोटैटो, ये छोटे छोटे आलू, इनको मैंने सिर्फ 1 उबाल दे के और इनको मैंने उबाल लिया था, हल्का सा मैंने पका लिया है क्योंकि ये कोफ्तों के साथ भी जो है पकेंगे, इनके अंदर मसाला जैसे मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, इसमें डाल दूंगी हसबे जायका नमक। अगर हमने अपने कोफ्तों का रंग जिस तरह ग्रीन रखा था ग्रीन मसाले से, धनिया पुदीना से, अगर आप इस सालन का रंग भी ग्रीन करना चाहते हैं जिस तरह हरे भरे कोफ्ते जैसे कहा जाता है, तो आपने कुछ नहीं करना, इसके अंदर जो है जो ये धनिया होता है इसकी डंडियों को आप मत फेंके। ये धनिया की डंडियां जो है वो आप ग्राइंड करके अगर इसके अंदर डाल देंगे तो आपके ये कोफ्ते जो है इनका हरे भरे कोफ्ते हो जाएंगे। ये मैंने हसबे जायका नमक इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, बाकी मैं चखने के बाद करूँगी। हमने कोफ्तों का जो मसाला बनाया था, जो हमने कोफ्ते बनाए हैं उनमें हमने नमक शामिल नहीं किया। नमक शामिल करने से कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। कोफ्ते डालने के बाद इनको हमने बिल्कुल भी चमचे से नहीं हिलाना। अभी मैं चमचे से हिला रही हूँ, इसमें नमक जो है मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो कोफ्ते रख दूँगी। हमारे स्वीट पोटैटोस के साथ जो है कोफ्ते बहुत अच्छे लगेंगे। अब मैं इसकी हल्की आंच, पहले आंच को कम करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जल ना जाए। अब मैं अपने कोफ्ते एक एक करके इस तरह अपने इसमें जो है रख दूंगी ताकि हमने जो नमक इसमें डाला है वो नमक और मसाला वो कोफ्तों में चला जाए। इसके बाद पानी डालने के बाद जो है इसको हमने बिल्कुल भी चमचे से नहीं हिलाना। इसमें हमने 2 हरी मिर्चें भी डाल देनी है, ये हमारी 2 हरी मिर्चें, और इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। तकरीबन हमने पानी में अपने शोरबे के लिहाज से, जिन लोगों को शोरबा ज़्यादा पसंद है तो वो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, जिन लोगों को शोरबा कम पसंद है वो कम पानी डाल सकते हैं। लेकिन कोफ्तों में अगर शोरबा ना हो तो इस सालन के खाने का मज़ा ही नहीं है। अब हम इसका चूल्हा तेज़ कर रहे हैं और इस पे अब ढक्कन रख के इसको तकरीबन 10 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसकी आंच को हल्का कर देंगे। ये मेरी सालन पक के तैयार हो चुकी है। इसमें जो है मैंने इतना शोरबा रखा है क्योंकि कोफ्तों की सालन में अगर शोरबा नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होगी। और ये मैं इसमें जो है अपना धनिया डाल रही हूँ, मैंने इसको जो है हल्की आंच पे रखा हुआ है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और आपको जो है इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो मेरी ये सालन आपको पसंद आई हो कोफ्तों की, तो मेरी जो है ये सालन आप ज़रूर बनाइएगा, और पसंद आई हो तो इनबॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी इस तरकीब को फॉलो कीजिएगा
अपने घरों में बना के खाएं, सबको खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे इस चैनल को जो है लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो इनबॉक्स में मुझसे आप सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दे दूँगी फिर अगली रेसिपी में। तो इजाज़त दीजिए सिर्फ इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हम सब को पूरी इंसानियत को करोना वायरस से बचाए और पूरी इंसानियत से जो है करोना वायरस ख़त्म हो जाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।